हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की रेसिपी है छोले की सब्जी की। छोले की सब्जी तो सबको ही बनानी आती है, लेकिन आज हम इसे कुछ अलग स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। छोले की सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम छोले लिए हैं। इनको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। आप चाहे तो इन्हें ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। इन्हें काबली चने भी कहते हैं। अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे। हम इन्हें साफ पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो चलिए इन्हें वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने छोलों को वॉश कर लिया है। अब हम कुकर लेंगे। कुकर में छोलों को डाल लेंगे। कुकर में हम इतना पानी डालेंगे कि छोले अच्छी तरह से डूब जाएं। इसमें मैंने 3 से 4 ग्लास पानी डाल लिया है। अगर हम इसमें कम पानी डालेंगे तो छोले जल सकते हैं। अब हमें इसमें 1 चम्मच नमक डाल लेना है। और ये 2 से 3 मैंने इसमें गर्म पत्ते लिए हैं। गर्म पत्ते को भी इसमें डाल लेंगे। आप चाहे तो गर्म पत्ते को तड़के में भी डाल सकते हैं। मैं इसको कुकर में इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका सब्जी में अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। जो कि हमने इसमें नमक डाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें 3 से 4 सीटी लगवाएंगे। और जब तक सीटी लग रही है हम खड़े मसालों को पीस कर तैयार कर लेते हैं। खड़े मसालों में मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली हैं, 3 से 4 काली मिर्च ली हैं, 3 से 4 लौंग ली हैं, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, थोड़ी सी इसमें लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं। इन सभी चीज़ों को हमें पीस कर तैयार करना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें पीस कर तैयार कर लिया है। हमें इन्हें अच्छी तरह से पीस कर तैयार करना है। अगर हम इन्हें अच्छी तरह से नहीं पीसा तो ये खड़े खड़े रह जाएंगे और सब्जी का टेस्ट खराब कर देंगे। और कुकर में हमने 4 से 5 सीटी लगवा ली है। छोले बिल्कुल पक गए हैं। अब हम तड़का तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। 1 चम्मच हमें इसमें जीरे का डाल लेना है। और ये थोड़ी सी मैंने हींग ली है। अगर आप हींग खाना पसंद करते हैं तो डालिए। और ये लिए मैंने कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने लंबे साइज का काटा है। आप चाहे तो इन्हें छोटे साइज का भी काट सकते हैं। प्याज को हमें तेल में डाल लेना है। इन्हें फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें भून कर लाल कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब हमें इसमें मसाले डाल लेने हैं जो कि हमने पीस कर तैयार किए हैं। मसालों को हमें भून कर तैयार कर लेना है। मसाले को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर प्याज और मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है। और ये लिए मैंने कस्तूरी लाल मिर्च। 1 चम्मच मैंने इसमें कस्तूरी लाल मिर्च डाल ली है। और ये 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डाल लें। नमक हमने पहले छोले में भी डाला है तो ध्यान से ही नमक डालें। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है। इस प्रोसेस में हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखना है। और ये मसाले और प्याज अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर के पेस्ट को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं ग्रेवी का कितना अच्छा कलर आया है। और ये कलर कस्तूरी लाल मिर्च डालने से आया है। कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर को हम ग्रेवी में अच्छा कलर लाने के लिए ही डालते हैं। आप चाहे तो कस्तूरी लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। ये स्पाइसी नहीं होती, चटपटी नहीं होती। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल ली है। इससे सब्जी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आएगी। थोड़ी सी देर हम ग्रेवी को ढककर पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे पकाते 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे। और ये देखिए ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। टमाटर प्याज सभी मसाले पककर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें छोले डालेंगे जो कि हमने उबाल कर तैयार किए हैं। और गर्म पत्ते को हम हटा देंगे। हमें जो छोलों में पानी है उसे भी साथ में डाल लेना है। अगर हम ये पानी साथ में नहीं डालेंगे तो सब्जी ज़्यादा सूखी हो जाएगी। छोले को हमें सब्जी में मिक्स कर लेना है। और ये देखिए सब्जी को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। हमें गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई ही रखना है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर और पका लेंगे। और ये देखिए इसे पकाते 2 मिनट हो गए हैं तो सब्जी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम इसे 1 बार और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से छोले की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। छोले की सब्जी तो सबको बनानी ही आती है, लेकिन इसको बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब हम इसमें नींबू निचोड़ लेंगे, नींबू का रस डाल लेंगे। छोले की सब्जी जितनी खट्टी होती है उतनी ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह से ये रेसिपी जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।